नजद वालों में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम इसकी आवाज़ की बिन बिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा। जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ना है। इसने कहा, बस इसके सवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर तू नफल पढ़े तो और बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े रखना। इसने कहा, और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर तू नफल रोज़े रखे तो और बात है। तलहा ने कहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़ुकात का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा, फिर वो शख्स पीठ मोड़कर चला, यूं कहते जाता था, कसम अल्लाह की मैं ना इससे बढ़ूंगा ना घटूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुँच गया।